नेताजी की राह पर क्यों चलने को मजबूर हुए अखिलेश, यादव लैंड पर फतह को तैयार सपा। शिवपाल अखिलेश की रणनीति 2024 में देगी बीजेपी को मात। समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा यादव लैंड पर बीजेपी ने 2017 के बाद धीरे धीरे पूरी तरह से कब्जा जमा लिया। बीजेपी ने बड़ी चालाकी से अखिलेश और शिवपाल के फूट का फायदा उठाया, लेकिन अब जब शिवपाल और अखिलेश एक साथ आ गए हैं तो सपा अपने गढ़ में पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में मैनपुरी उपचुनाव में मिली जीत के बाद से सपा को सियासी संजीवनी मिल गई है और बीजेपी को हराने का हौसला भी। ऐसे में अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यादव लैंड में फतह करने के लिए बड़ी रणनीति बना रहे हैं। तो आइए इस रिपोर्ट में हम समझते हैं उनकी रणनीति को और शिवपाल यादव के रोल को भी। यादव लैंड में सक्रिय हुए अखिलेश यादव। मैनपुरी उपचुनाव की जीत के बाद अखिलेश यादव इन दिनों ज्यादातर समय यादव लैंड यानी इटावा, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, औरैया, फरुखाबाद और कन्नौज में बिता रहे हैं। यहाँ के हर गांव के युवाओं से सीधे जुड़कर भविष्य की रणनीति बना रहे हैं। इसे सियासी नजरिए से अहम माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक यादव लैंड को मुलायम सिंह यादव के बाद शिवपाल का समर्थक माना जा रहा है, लेकिन अब अखिलेश यादव पकड़ अपने हाथ में लेना चाहते हैं ताकि आने वाले समय में किसी तरह का सियासी सेंध न लग जाए। 2024 में यादव वोट बैंक पर है बीजेपी की नजर। दरअसल मुलायम सिंह यादव के इस क्षेत्र में लोगों और नेताओं की सीधी पहुंच नेताजी तक मानी जाती थी या फिर उनके परिवार के सदस्य से जुड़े रहते थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये जुड़ाव धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लेकिन अब अखिलेश यादव ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। अखिलेश यादव समझ चुके हैं कि बिना नेताजी की राह पर चले सपा को दोबारा से इस इलाके में नहीं खड़ा कर सकते हैं। अखिलेश ने पहली बार अपने राजनीतिक जीवन में यादव लैंड पर फोकस किया है। सपा की ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि 2024 के चुनाव में बीजेपी की नजर यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में बीजेपी यादव नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंप रही है। क्यों महत्वपूर्ण है यूपी में यादव वोट बैंक? यूपी में करीब 8% वोटर यादव समुदाय से आते हैं, जो ओबीसी समुदाय की कुल आबादी का 20% हिस्सा है। यादव समाज में मंडल कमीशन के बाद ऐसी गोलबंदी हुई कि ये सपा का कोर वोटर बन गया है। इटावा, एटा, फरुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कन्नौज, बदायूं, आजमगढ़, फैजाबाद, बलिया, संत कबीर नगर, जौनपुर और कुशीनगर जिले को यादव बहुल माना जाता है। इन जिलों में 50 से ज्यादा विधानसभा और एक दर्जन लोकसभा सीटों पर यादव वोटर अहम भूमिका में है। 50 से ज्यादा विधानसभा में पावरफुल है यादव वोट बैंक। राज्य के 44 जिलों में 9% यादव है। 10 जिलों में ये वोटर 15% से ज्यादा है। पूर्वी यूपी और ब्रिज के इलाके में यादव वोटर सियासत की दिशा तय करते हैं। तो ये थी शिवपाल अखिलेश की यादव लैंड में नई रणनीति से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर बताइए। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।